जय हिंद, नमस्कार मेरे शेयर चैनल, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के अंदर सीआरपीएफ की जॉब को लेकर है कि सर सीआरपीएफ की नौकरी कैसी होती है, क्योंकि ये नौकरी मैंने खुद ने की है, तो इसके बारे में मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सीआरपीएफ की जॉब प्रोफाइल के समझेंगे। जितने भी बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको बता दूं, हमारी एकेडमी में एसएससी जीडी का नया बैच शुरू हो गया। अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करना है, नीचे के दिए गए नंबर पर कॉल करके आप एकेडमी आ सकते हैं ऑफलाइन बैच के लिए। साथ ही हमारी बुक भी फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आ चुकी है, आप सर्च कर सकते हैं एसएससी जीडी 2024, आगे विराट सर लिखोगे हमारी बुक आ जाएगी, वो ले सकते हैं आप एसएससी जीडी के लिए। चलिए लाड लो, सीआरपीएफ जॉब प्रोफाइल, खतरे वाली नौकरी। आप सबको पता है इसके पीछे जो टैग है ये बिल्कुल रियल टैग है, सबसे खतरे वाली एसएससी जीडी में जो सबसे हाई रिस्क वाली नौकरी है वो सीआरपीएफ है। क्यों? क्योंकि नक्सलाइट से ये लड़ती है, आतंकवादियों से ये लड़ती है, जहां पर भी देश में कोई भी समस्या है वहां सीआरपीएफ पक्की होगी। सैलरी कितनी मिलती है, कोबरा कमांडो कैसे बनेंगे, ज्वाइन करने पर क्या मिलता है, ड्यूटी, फैमिली लाइफ, रिस्क और पेंशन, ए टू जेड चीजों पर हम बात करेंगे भाई। ठीक है, इस वीडियो जब खत्म होगा तब तक सीआरपीएफ के बारे में आप ए टू जेड सब कुछ जान चुके होंगे। तो चलिए शुरू से शुरू कर लेते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट कि सीआरपीएफ की जो ड्यूटी है, देखो लाड कुछ बाकी रह जाएगा तो वो भी बता देंगे। सीआरपीएफ की सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं लाड लो ड्यूटीज की। सीआरपीएफ की जो ड्यूटी होती है वो क्या क्या, लाड़ दो मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ बहुत प्रकार की, विभिन्न प्रकार की ड्यूटी करती है। इसका फुल फॉर्म भी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, बहुत प्रकार की ड्यूटी करती है, कौन कौन सी करती है देखो। नक्सल के खिलाफ इनकी स्पेशल फोर्स है कोबरा, इसके अलावा इनकी स्पेशल फोर्स है आरएएफ, रेपिड एक्शन फोर्स, एनडीआरएफ में भी इसके जवान जाते हैं, एनएसडी में भी जाते हैं, एसपीजी में भी जाते हैं, एक इसकी स्पेशल बटालियन है वीआईपी प्रोटेक्शन ग्रुप, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के जो प्रोटेक्शन ग्रुप है वो भी, इसके अलावा महिला बटालियन। ठीक है, ये ड्यूटी। इसके अलावा अब और कौन सी ड्यूटी करते हो देखो, आप सबको बताता है कश्मीर में तो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है, मिलिटेंसी, उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी। यानी अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई ड्यूटी करोगे। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, देश के अंदर कहीं पे भी दंगा फसाद होता है वो अमरनाथ यात्रा ड्यूटी, यानी जितनी भी देश में बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, वैष्णो माता मंदिर का प्रोटेक्शन भी सीआरपीएफ करती है। नक्सलाइट एरिया में जो छत्तीसगढ़, झारखंड, जो एरिया उड़ीसा जहां पर नक्सलवादियों के साथ में लड़ाई होती है वो कौन सी फोर्स करती है, कोबरा, और कोबरा के अलावा भी वहां पर सीआरपीएफ रहती है। तो सीआरपीएफ के जो जवान हैं उसको इनमें से ड्यूटी करने के अवसर मिलते हैं, भले वो इलेक्शन ड्यूटी करे या मिलिटेंट्स के खिलाफ कश्मीर में लड़े या कोबरा में जाकर नक्सलवादियों के खिलाफ लड़े या बिना कोबरा के नक्सलवादियों के साथ में लड़े करे। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में आपने देखा होगा जो ब्लू कलर की ड्रेस में रहते हैं वो रहते हैं आरएएफ वाले। इनकी ड्यूटी क्या होती है आप सबको पता है, कहीं पे भी कोई घटना हो जाती है या प्राकृतिक आपदा, उसमें काम करते हैं एनडीआरएफ और आरएएफ, गोबरा नक्सलवादियों से लड़ती है। एनएसजी आप सभी को पता है, एनएसजी क्या कार्य करती है, ब्लैक केट कमांडो आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ या मुख्यमंत्री के साथ या पीएम के साथ आपने एनएसजी कमांडो को देखा होगा। एसपीजी आपने मोदी जी के साथ में देखा होगा जो सिविल ड्रेस में रहते हैं, फर्स्ट जो रहते हैं, जैसे कोई भी बड़ा नेता होगा या बड़ा मंत्री होगा उसके कार्टन में जो सिविल ड्रेस में रहते हैं अटैची लेके, वो रहते हैं एसपीजी, वो भी आप सीआरपीएफ में से एसपीजी कमांडो बन सकते हैं, एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। वीआईपी प्रोटेक्शन सीआरपीएफ ने पिछली 2 साल पहले लॉन्च किया है, इसके तहत जो जवान रहते हैं इस बटालियन में वो जो बड़े बड़े मंत्री नेता इनकी जो रैलियां होती है उनमें प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, ये स्पेशल प्रोटेक्शन कार्य वुमन बटालियन इसकी है। और दंगा और यात्रा होगी जैसे अमरनाथ यात्रा होगी और भी कोई बड़ा जो टास्क है वो सीआरपीएफ करती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से कि सर सीआरपीएफ में से कोबरा कमांडो कब बन सकते हैं,
ठीक है, ये आपके मन में रहता है। यानी आप जब 44वीं की जो आपकी ट्रेनिंग होती है ज्वाइनिंग के बाद में, उसके जस्ट बाद कोबरा का ट्रायल होता है हर एक ट्रेनिंग सेंटर में। आप वो ट्रायल पास करके कोबरा कमांडो बन सकते हैं। यानी इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने साल आपकी नौकरी होनी चाहिए, आप तुरंत बन सकते हैं। कई ग्रुप सेंटरों में ये नहीं होता है, तो उसको मौका मिल जाता है 1-1.5 साल में। तो आप कोबरा कमांडो 1-1.5 साल में बन सकते हैं, और ज्यादा चांस है कि आप अगर ट्रेनिंग सेंटर से ही ये टेस्ट दे दो। 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट के समय, 10 बीम होती है इसमें और शायद 25 सीटअप होती है, ये इसका टेस्ट है नॉर्मल सा। वो पास कर लो, आपका भी नाम आ जाता है। सर आरएफ में कैसे जाते हैं? ये स्वैच्छिक है, आरएफ और एनडीआरएफ। यानी बटालियन हर एक जो सीआरपीएफ के मैच में, उन सब में एक अलर्ट आता है कि भाई किसी को अगर आरएफ ज्वाइन करना है तो वो अपना नाम दे दे उसमें, नाम के तहत। हाँ, इसमें ये जरूर है कि नए जो भर्ती होते हैं उनको मौका कम मिलता है। इसमें कम से कम जिनकी 7-8 साल सर्विस हो जाती है उनको जल्दी मौका मिलता है इन दोनों फोर्स। एनएसजी कमांडो बनने के लिए कम से कम आपकी 5 साल सर्विस चाहिए। कितने साल? 5 साल सर्विस चाहिए आपकी सीआरपीएफ में, उसके बाद में आप एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। और वो भी बेदाग सर्विस होनी चाहिए आपके, किसी प्रकार की कोई भी मतलब अनडिसिप्लिन कार्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एसपीजी के लिए भी सेम है, 5 साल की सर्विस, या एनएसजी में आप रह के फिर एसपीजी में जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, एनएसजी में डायरेक्ट जाने या एसपीजी में डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें 55% में आर्मी रहती है और 45% इसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रहते हैं, ये इसका रेशियो रहता है। यानी 55% यहाँ पर जो जवान रहते हैं वो आर्मी के रहते हैं, 45% में पैरामिलिट्री फोर्स के रहते हैं। वीआईपी प्रोटेक्शन में आप स्वैच्छिक जा सकते हैं, डिमांड आती है आप अपना नाम देके जा सकते हैं। जो महिला बटालियन है ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही। रही अमरनाथ यात्रा, ये ड्यूटी, ये एक स्पेशल ड्यूटी होती है, जब डिमांड पड़ती है तो आपको वहां पर भेजा जाता है। ये है भाई सीआरपीएफ की ड्यूटियां, ठीक है। अब इसी के साथ हम लगातार बात कर लेते हैं पेमेंट की, क्योंकि ड्यूटियों से ही रिलेटेड पेमेंट है कि सर सीआरपीएफ में पेमेंट भी सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल होता है, क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ सबसे ज्यादा रिस्क वाली ड्यूटी करती है और सबसे ज्यादा ट्रेवल वाली ड्यूटी भी करती है। यानी सीआरपीएफ के जवान को हमेशा बोरिया बिस्तर पे की रहता है भाई। जैसे मैंने 4.5 साल नौकरी की, मैंने पता नहीं कितने स्टेप घूम लिया, इलेक्शन के दौरान, फिर अमरनाथ यात्रा के दौरान, ठीक है, फिर मैं कमांडो कोर्स किया उसके दौरान, यानी घुमंतु भी फोर्स है ये। तो आप पेमेंट भी इसमें अच्छा होता है। सबसे अच्छा पेमेंट किसमें होता है? अगर आप कोबरा में रहते हैं तो यहाँ पर 21,000 कुछ पेमेंट है रिस्क अलाउंस के तौर पे, यानी पेमेंट के अलावा आपको 21,000 रुपये मिलते हैं। सेम आप एनएसजी में रहते हैं तब मिलते हैं, एसपीजी में रहते हैं तब मिलते हैं। इसके अलावा जब आप कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं तब मिलते हैं, नक्सल के खिलाफ आप लड़ रहे हो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इधर इस एरिया में 21,000 प्लस कुछ है, 600 रुपये कुछ ऐसा रिस्क अलाउंस ऑफ पेमेंट के अलावा, ठीक है। तो सीआरपीएफ में जो बेसिक पेमेंट है वो जब आप ज्वाइन करोगे तब आपका लगेगा 21,700। इसके अलावा आपको मिलेगा डीए, राशन मनी, एचआरए अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली का कोई बंदा उसको 6,400 रुपये के आसपास, राजस्थान कोई गाँव का बंदा उसको 1,800 रुपये, ये अलग अलग प्रकार का एचआरए होता है, ठीक है। डीए, राशन मनी, एचआरए और भी कुछ एडिशनल होता है। उसके अलावा जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है फिर ये रिस्क अलाउंस जुड़ जाते हैं, जैसे 21,000 कुछ ही। तो ये इस प्रकार से पेमेंट बढ़ के, और सीआरपीएफ का जवान अगर कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है तो उसको लगभग 60,000 के आसपास पेमेंट बढ़ जाती है उसकी, उसमें से कट कटा के भी उसके अकाउंट में 50,000 रुपये आते हैं भाई। मैं आपको बता देता हूँ अभी, अगर कोई छत्तीसगढ़ में ही लगते हैं ड्यूटी जाता है ट्रेनिंग के जस्ट बाद ही, तो भी उसकी पेमेंट 50,000 के अराउंड रहेगी, 50,000 से प्लस रहेगी, कम नहीं रहेगी। और हर एक दीपावली पर बोनस पेमेंट भी मिलता है। हाँ, कई ऐसे एरिया जहां पर कम रिस्क है तो वहां पर 11,400 रुपये रिस्क अलाउंस है, जो और इससे नीचे है वो 9,700 रुपये रिस्क अलाउंस है, ठीक है, ये रिस्क अलाउंस रहता है। इलेक्शन के दौरान अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार का फंड मिलता है। तो ये हो गया भाई इसका पेमेंट। मोटा मोटी ऐसा है कि सीआरपीएफ के जवान ज्यादातर मैक्सिमम टाइम इन पेमेंट में काम करने को मौका मिल जाता है, कोई स्वैच्छिक ग्रुप सेंटरों में नहीं जाए तो भाई, ठीक है, पेमेंट हो गया। अगला पॉइंट क्या लेते हैं? खतरे वाला बता ही दिया भाई, नक्सलवादियों से लड़ती है, आतंकवादियों से लड़ती है, तो रिस्क तो इस फोर्स में सबसे ज्यादा है और ये एशिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स भी है। तो आपको ऑप्शन भी कई सारे मिल जाते हैं जीवन में जीने के लिए, ठीक है। सैलरी कितनी मिलती है, कोबरा कमांडो कैसे बने ये भी मैंने बता दिया, ज्वाइन करने पर क्या मिलता है, पेमेंट वो मैंने बता दिया, ड्यूटी, फैमिली सुविधा, रिस्क और पेंशन। पेंशन तो आपको पता है एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम ये लागू हो गया, आपकी सैलरी में से एक पेमेंट कटता है फिक्स, जितना पेमेंट आपका कटेगा ये 10% के अराउंड पेमेंट कटता है आपका साल, जितना पेमेंट
में गवर्नमेंट ऐड कर देती है और ये इन्वेस्टमेंट होता रहता है। रिटायरमेंट के बाद में ये पेमेंट आप चाहो तो एक मुश्त ले सकते हैं, आप चाहो तो इसके आधा पेमेंट लेके आधे की पेंशन करा सकते हो। अभी इसके रिजल्ट आने शुरू नहीं हुए, 2004 के बाद में लगे हैं, तो जो जवान 2024 में रिजल्ट रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन से बता पाएंगे कितनी पेंशन होगी। फैमिली सुविधा कैसी है? देखो, अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन करते हैं तो आपको सीआईएसएफ, एसएसबी, अगर इन कोर्सों की बात करें तो उनसे फैमिली सुविधाएं कम मिलेगी, क्योंकि सीआरपीएफ में ज्यादातर जो ड्यूटी होती है रिस्क एरिया में होती है, रिस्क एरिया में फैमिली सुविधा नहीं होती। हाँ, कई जगह होती भी, जैसे कोबरा, कोबरा में फैमिली सुविधा मिलती है, कश्मीर में सब जगह नहीं मिलती है, लेकिन ग्रुप सेंटरों में मिलती है, ट्रेनिंग सेंटरों में फैमिली रखने की सुविधा मिल जाती है, लेकिन सब जगह ड्यूटी में नहीं मिलती। जहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है उस जगह फैमिली रखने की सुविधाएं नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन ये अब ये हो गया कि आप 20 साल की नौकरी में मान के चलो, अगर आपकी इच्छा है तो आप 10 साल तक कम से कम अपने परिवार को अपने साथ में रख सकते हैं, इतना मौका आपको मिल जाता है, इतना मौका मिल जाता है, क्योंकि आजकल स्वैच्छिक पोस्टिंग हो रही है, यानी जहां आप मांगते हैं वहां एक दो बार तो पक्का आपके पूरे कार्यकाल के दौरान आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है लाडो, इसके अलावा लड़कियों के लिए कैसी है? लड़कियों के लिए भी बढ़िया है, लड़कों के लिए भी बढ़िया है, ठीक है, दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स एक नंबर है। मैं तो अपने जीवन का सबसे ज्यादा अगर श्रेय किसी को देता हूँ तो सीआरपीएफ को ही देता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे हिसाब से तो मतलब बहुत एक नंबर में, मतलब जबरदस्त फोर्स है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद आई गई, बाकी मैं बोल नहीं सकता, बाकी फोर्स में मैं रहा नहीं, ये मेरे को बिल्कुल पसंद आई। रिस्क, जहां रिस्क है वहीं फौजी फिक्स है, ये तो क्लियर है, इस चीज में कोई पॉइंट आपका होना ही नहीं चाहिए। अब इसके अलावा आपका कौन सा पॉइंट रह गया वो आप मेरे को बता सकते हैं लाडलो, वो अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।